खेलो जरा गरीबों से जरा ज्यादा मत लो। बेशक बेशक। और क्या बोलते टेस्टा वेस्टा ज्यादा मत लिखो। हाँ हाँ बिल्कुल। गरीबों पे मत मारो। हाँ हाँ हमारे उमेश साहब मेरे तीन सवाल है सर। हाँ बोलिए। हाँ बोले। अगर आप बोल देंगे तो आपकी राइट फ्री कर दूंगा। ओह ठीक है। अगर एक भी गलत बोलेंगे तो नहीं होगी। ओके ठीक है बोलिए। पांच भाइयों में सबके छोटा, शादी के लिए सबके सबसे बड़ा। क्या क्या? पांच भाइयों में सबसे छोटा। हाँ शादी के लिए सबसे बड़ा। हाँ क्या है? पांच भाइयों में सबसे भाई जैसे आलू की करी करी ने बनाते हैं वैसे ने वैसे ही भाभी ने बना दिया है। दोस्तों मैं आपका दोस्त अटो राजकुमार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों 10 बज रहे हैं दोस्तों और अभी निकला हूँ मैं। देखिए यह है टिफिन और अपना ऑयल चेक करते हैं दोस्तों। ऑयल है या नहीं है, बहुत दिन हो गया है और बदलने का भी है दोस्तों। अभी आपको मैं बताता हूँ लाइव ऑयल कितना है दोस्तों। तकरीबन शाम सुबह से रात को गाड़ी ला के लगाई थी दोस्तों और आप देखिए देखिए दोस्तों लो पर है, एल पर है दोस्तों। ये देखिए एल निशान पे है दोस्तों और ऑयल बदलने का भी है दोस्तों और काला भी हो चुका है, तकरीबन डेढ़ महीने के ऊपर हो गया है दोस्तों। तो अपन डेली तो चलाते हैं, 150 किलोमीटर तो चलाते हैं गाड़ी को, तो बदल देना चाहिए दोस्तों। तो इंजन के लिए अच्छा है दोस्तों वो। और आज गाड़ी है देखिए बहुत गंदी भी दिख रही है दोस्तों ज़रा, और गाड़ी भी धोलने का है, बहुत काम है आज। तो चलिए गाड़ी वाड़ी धोते हैं और ऑयल का ग्रीस का काम करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों गाड़ी भी ज़रा गंदी है ज़रा, और दशहरे के बाद तो मैं गाड़ी धोया भी नहीं, ज़रा मैली मैली दिख रही है दोस्तों। ज़रा वॉश कराएंगे, देखिए पूरी सब जगह पर मैला मैला है ये देखिए। तो चलिए वॉश कराते हैं दोस्तों और गैस देखते हैं गैस कितना है गाड़ी में। चाबी लगा देंगे और ये देखिए दोस्तों कल का गैस है दोस्तों, पीली लाइट पे है दोस्तों। तो चलिए गाड़ी भी धोते हैं दोस्तों। तो अभी मेरे को गाड़ी धुलाने का है, पर इससे पहले दोस्तों तकरीबन 8 दिन से मैंने विलो में ग्रीस नहीं मारा है दोस्तों। तो उसके बाद पहले मैं विलो में ग्रीस मार दूंगा दोस्तों, फिर बाद में जाके गाड़ी को धुलाऊंगा। तो बाहर जो ग्रीस निकलेगा, जो टायरों के पीछे से जो ग्रीस निकलेगा दोस्तों, वो भी निकल जाएगा और गाड़ी भी धुल जाएगी। और चलिए चलते हैं उसके पास ग्रीस वाले के पास, आपको बताता हूँ मैं विलो में कैसा मारता है दोस्तों। आया मैं आऊँगा, देखो जरा आ गया। तो ये गाड़ी का सामान पूरा निकाल दिया दोस्तों, देखिए बाहर पूरा पूरा अंदर के जो जो सामान है, मेरा माइक है, मेरा पेटीएम का ये डब्बा है, तो जितने भी ऑटो में सामान है दोस्तों पूरी खाली करके दे चुका हूँ मैं। तो देखिए पूरी गाड़ी खाली है, आप अच्छा से धो रहे हैं उसको, तकरीबन 100 रुपये होते दोस्तों गाड़ी धोने के। अपनी गाड़ी उड़ी धोली दोस्तों, ये देखिए तकरीबन 100 रुपये में दोस्तों पूरी गाड़ी को वॉश कर दिया, अंदर से लेके बाहर तक सब जगह से धो दिया दोस्तों गाड़ी। तो अभी ज़रा अच्छी दिख रही है दोस्तों गाड़ी ज़रा। और पॉलिश वॉलिश कर दिया दोस्तों 100 रुपये में दोस्तों, ये देखिए पॉलिश भी कर दिया है। और अभी कारोबार भी लगते हैं दोस्तों, अभी मैं चालू करता हूँ मेरा पेटीएम का डब्बा, निकाल लेते हैं दोस्तों अपना पेटीएम का डब्बा ऑनलाइन करने का। और अपने वो है दोस्तों माइक, और चलो इसको चालू करते हैं दोस्तों। इसको ये निकाल दिया और बॉक्स में से, और इसकी चार्जिंग जो है दोस्तों 2 दिन को एक बार करें तो भी चल जाता, वरना तकरीबन अगर यूज़ नहीं कर तो 7 दिन भी चलता है दोस्तों। तो अब इसको चालू करता हूँ दोस्तों, ये देखिए लाइट आ जाएगी, इसके अंदर भी सिम रहती है दोस्तों। और ये जब ये देखिए दोस्तों, तो चलिए
और अभी दोस्तों 11:30 बज रहे हैं दोस्तों, पूरा गाड़ी वुड़ी धोने के बाद और वाइस मारने के बाद अभी चालू करता हूँ दोस्तों मैं ऊबर, अपना ऊबर आ जा। ये देखे दोस्तों ऊबर भी आ गया और ऊबर में दोस्तों पैसे भर दिए थे मैंने, इसका जो नेगेटिव बैलेंस था तकरीबन 280 रुपये तक भर दिया दोस्तों, तकरीबन ये 8 दिन के पैसे थे दोस्तों ये। चलिए इसको चालू करते हैं। ये पूछता है दोस्तों हर बार गाड़ी कौन सी है, गाड़ी कौन सी है, तो गाड़ी भी चलिए सेलेक्ट कर लिए। और ये ऑनलाइन अभी करने का है दोस्तों रैपिडो, रैपिडो को ऑन करने का है दोस्तों। रैपिडो कहाँ है, रैपिडो कहाँ है, यहाँ पर है रैपिडो, और रैपिडो भी ऑन हो जाता है दोस्तों। नम्मा यात्री तो बोलने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, सुबह से हमेशा चालू ही रहता है वो। ये भी ऑन हो गया दोस्तों। दोस्तों मुझे आज जो है दोस्तों स्कूल की फीस भरने का है तकरीबन 2000 रुपये फीस भरने का है दोस्तों। और ऑयल देखा आपने, ऑयल भी काला हो गया और कम भी हो गया है दोस्तों, तकरीबन 1.5 महीना हो गया है और इसको बदलने का है दोस्तों। तो आज ऑयल के पैसे तकरीबन 700 रुपये दोस्तों और एक 2000 रुपये स्कूल की फीस, तो लेट तो हो गया दोस्तों पर ये तो सब करना ही छे। तो आज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों और गाड़ी का किराया अलग से निकालना पड़ेगा, गाड़ी का किराया निकल के अपने को और स्कूल की फ़ीस निकालने की है। और यह कि ऑयल के दोस्तों तकरीबन 600 रुपये का डब्बा है, 2 लीटर का डब्बा है और 100 रुपये बदलने के वास्ते 700 रुपये उसके कमाना है दोस्तों। तो देखते हैं शाम तक कितने होते हैं दोस्तों। तो चलिए नया कस्टमर कौन है देखते हैं। अभी दोस्तों अपने दोनों फ़ोन की दोस्तों चार्जिंग फुल है, इसकी भी 100% है और मेरे जो फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी भी 100% है दोस्तों। तो अभी मैं इसको चार्जर लगा रहा हूँ दोस्तों और तब तक मैं मेरे जो मेरे माइक्रोफोन है उसको मैं ज़रा चार्जिंग कर लूँगा दोस्तों। ये सवारी आ रही है दोस्तों JBS की, देखिए चलिए इसको ले लेते हैं और अपने को JBS की सवारी मिली है दोस्तों। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये कारवान जाना पड़ेगा दोस्तों, कारवान में है। तो चलिए पहला कस्टमर का नाम क्या है दोस्तों, प्रेम कुमार। तो आ गया सर कस्टमर वहाँ पर खड़े हुआ है। हाँ 8 6 8 8 6 3 8 6 8 8 6 8 दोस्तों पहली सवारी कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए 232 रुपये का बिल हुआ है दोस्तों और जुबली बस स्टैंड के पास खाली खाली है दोस्तों। तो दसरे की जो पब्लिक थी दोस्तों वो आ चुकी है और जुबली बस स्टैंड में कुछ ज़्यादा पब्लिक भी दिख नहीं रही है दोस्तों। और ये ऑटो वाले अपने स्टैंड वाले घमंड करते हुए, हमारे बाप का स्टैंड है बोल के करने वाले दोस्तों, इनके अम्मा बाबा छोड़ के गए थे तो ये घमंड करते दोस्तों। यहाँ पे जुबली बस स्टैंड के पास या कोई से बस स्टैंड के पास, कोई से भी स्टेशन के पास चल जाओ, सिकंदराबाद स्टेशन या नामपल्ली काचीगुड़ा हर एक जगह पर दोस्तों इनके अम्मा बाबा का ही छोड़ के स्टैंड है दोस्तों, ये पकड़ के बैठे अपने को नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों बाहर इसको तो क्लोज करते हैं दोस्तों इसको। देखो यार जुबली बस स्टैंड को छोड़ने के बाद से जब से वेट कर रहा हूँ, छोटे आ रहे, गांडू टाइम शुरू हो गया अपना। अब जो भी है 150 रुपये की या 100 रुपये की मिले तो अच्छे है दोस्तों, पर ये 70-50 मिल रहे, गांडू टाइम हो जा रहा। अब ये संभाल लेना दोस्तों, कर लेना कुछ तो भी, और जरा अपना अच्छा टाइम आए तक। ये देखिए दोस्तों ये गाड़ी देखिए 30 की, ये देखिए दोस्तों बस 65 रुपये की, 50 रुपये की, 70 रुपये की आ रहे दोस्तों, एक 150 रुपये की सवारी मिलती है बस से कर लेने का अपने को। और ये देखिए देखिए दोस्तों ये TG 30, ये बाइक वाले हैं, देखिए बाइक वाले पूरे भर के कहाँ होता है दोस्तों अपना कारोबार। अभी अपनी डिमांड करने का टाइम ये बिल्कुल चुपचाप कर लेने का, अपना टारगेट कंप्लीट कर लेने का दोस्तों। कारोबार भी वैसा ही है और गाड़ियाँ भी बहुत भर गए दोस्तों अपना कांग्रेस गवर्नमेंट आने की तरफ से पूरा। ये देखो वैसे लोग तो जिनके पास फ़ोन नहीं है वो लोग तो खाली बैठना, उनको कोई नहीं पूछता, अपने को तो भी कोई तो ही पूछता दोस्तों ये फ़ोन की वजह से। अगर ये फ़ोन भी नहीं रहेगा तो दोस्तों अपन वो भूल ही गए दोस्तों, वो जो कारोबार रोड पर का कारोबार रहता वो भूल ही गए, अभी बोलने को भी नहीं आ रहा कहाँ पे कितने बोलने गया बोल के वो भी भूल गए दोस्तों। अभी क्या पूरा फ़ोन पे हो गया और ऐसा लग रहा है कि अगर ये फ़ोन पे बुकिंग नहीं मिले तो ऑटो ख़त्म हो जाता, अगर ये ऑनलाइन है तो ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ तो कुछ कर लेंगे, गारंटी हिम्मत है, बाकी पूरी हिम्मत तोड़ दिया दोस्तों ऑनलाइन ऊबर ओला रैपिडो वाले सब लोग हिम्मत ही तोड़ दिए। अभी दोस्तों यहाँ पर हूँ मैं कहाँ पर, अपना क्लॉक टावर के पास खड़े हुआ और ये मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, ये देखिए ये मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, यहाँ पर वेट कर रहा हूँ जब से तकरीबन 1/2 घंटा हो गया एक ही सवारी मार के बैठा हूँ। अब जो मिले वो करेंगे बोल के सोच रहा हूँ, बस 100 रुपये की मिले दो बोल रहा हूँ,
सब दोस्तों हैं देखे 64 की मिल रहे हैं दोस्तों, पर ऊबर में आ रहे नहीं दोस्तों। नम्मा यात्री तो वो ईद का चांदी है, वो तो कभी मिले डिमांडिंग टाइम में आते उसके, जब अपने पास कस्टमर रहता ना, जब भी आते उसके पास क्या करेंगे देखेंगे। अब कस्टमर, एक कस्टमर मिल चुका है दोस्तों, कस्टमर का नाम है उमेश, उसको लेके जाने का है सैनिकपुरी के पास दोस्तों, और यहाँ मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हुए दोस्तों, तो चलिए पिकअप करते हैं इसको। उमेश आपका पहले नाम तो बोलो सर। मेरा नाम चंदू है। चंदू? हाँ। तो सर एक हाय तो बोलो मेरे दोस्तों। हेलो, कैसे हो आप? तो अभी क्या पढ़े कर रहे सर? मैं MBBS पढ़ रहा हूँ। MBBS डॉक्टर? हाँ। तो ट्रेनिंग हो गई सर या अभी? अभी फाइनल ईयर में हूँ। फाइनल ईयर? हाँ। अच्छा, पहले तो ये तो बात बोलो, फीस कितनी रहती है आपको? गवर्नमेंट की सीट मिली या प्राइवेट? गवर्नमेंट सीट। ये पूरा 50,000 होगा। 50,000 गवर्नमेंट की सीट? हाँ। तो इसमें मास्क लाने पड़ते सर अच्छी? हाँ, मतलब क्या सीट आने के बाद या सीट लाने के लिए? सीट लाने के लिए। सीट लाने के लिए हाँ, बहुत ज्यादा मार्क्स लाना पड़ता है। तो ये है हमारे उमेश भाई, चंदू आप कितने में चंदू? हाँ, मतलब सभी चंदू ही बोला था। तो फिर किस लिए स्पेशलिस्ट है आप? मतलब किडनी? कुछ सोचा नहीं उसके लिए, और 3-4 साल पढ़ाई करना होता है। अच्छा। अभी के लिए तो जनरल मेडिसिन ही सोचा, तो अच्छा। तो उसके बाद देखेंगे कि किडनी का स्पेशलाइजेशन करेंगे या कार्डिया, ये दिल का या सर का, वो बाद में देखेंगे। हमारी आशा है सर आप जल्दी से डॉक्टर हो जाओ। जी शुक्रिया। बेशक बेशक। और क्या बोलते हैं, ज्यादा मत लिखो। हाँ हाँ बिल्कुल, मत मारो। हाँ हाँ, हमारे उमेश साहब, मेरे 3 सवाल है सर। हाँ बोलिए। मोहरे है? हाँ बोले। मोहरे अगर आप बोल देंगे तो आपकी राइड फ्री कर दूंगा। ओ ठीक है, अगर एक भी गलत बोलेंगे तो नहीं होगी। ओके ठीक है, बोलिए। पांच भाइयों में सबसे छोटा, पर शादी के लिए सबसे बड़ा क्या? क्या? पांच भाइयों में सबसे छोटा। हाँ। शादी के लिए सबसे बड़ा। हाँ क्या है वो? पांच भाइयों में सबसे छोटा पर शादी के लिए सबसे बड़ा? हाँ। कल्चर है, ट्रेडिशन है। वो क्या रहता है? वो क्या रहता है? अभी मोहरा है सर, कंप्लीट करो उसको। नहीं, नो आइडिया। आपके जीवन में भी आने वाला है। हाँ। आपकी लाइफ में भी आने वाला है बच्चा। क्या हो सकता है? मैं बोलूंगा तो क्या फायदा सर, राइट फ्री दूं और बोलूंगी मैं। हाँ नहीं नहीं आप बताइए। ठीक है, ये पहले वाला छोड़ दो, बाद में बोलता हूँ लास्ट। ठीक है। दूसरा वाला है सर, शादी होने के बाद। हाँ। नहीं जीवन में दो बार अपने को फ्री में मिलता सर। हाँ। एक बार में अपने को पैसे लाके देना पड़ता। ओके, वो क्या है? दो बार फ्री में मिलता है। दो बार फ्री में मिलता है सर, तीसरी बार में आपको पैसे डाल के लेना पड़ता। सर डॉक्टर हो सर आप, डॉक्टर का ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं भी आपको देख के। किडनीज? किडनीज सर दो बार मिलते क्या सर? किडनी दो किडनीज मिलते हैं ना? दो बार मिलते हैं सर, दो बार टू टाइम्स मिलते हो। टू टाइम्स, दो बार की किडनी मिलेगा ना? हाँ। एक ही बार मिलेगा किडनी, वो भी दो मिलेगा? हाँ वही दो मिलेगा। दो बार ये क्या है अब? आ गया, वो तो पहले से ही पता था।
चलो तीसरा पूछता हूँ। हाँ पूछे। हाँ वो क्या है चीज, वो लड़की, लड़की शादी करने के बाद लड़की में एक चीज बदल जाती है, वो क्या है? आप बोलो, आप डॉक्टर हो सर, पहली बार हमारे पास। वो तो हाईमैन होगा। हाईमैन नहीं, और क्या हो सकता है? शादी के बाद बदल जाता है। हाँ हाईमैन ही तो है, और क्या होता है? हाईमैन में क्या है सर, वर्जिनिटी चल जाती है, और क्या है? हाँ वही तो। उसके बाद मैं वो इसमें नहीं जा रहा, दूसरा बोल रहा हूँ। बहू हो जाती है? नहीं। हाँ बहू तो हो जाती है। हाँ वही होगी। हाँ मैं क्या बोला, शादी के बाद? ओ लास्ट नेम बदल जाती है। लास्ट नेम करेक्ट। ओके ये करेक्ट लास्ट नेम। ओके सर्दी में सर, शादी के बाद हर लड़की का बदल जाता है। हाँ सर्दी भी बदलता है। हाँ हाई मैन में ठीक है। अच्छा ठीक है सर, और एक मौका देता हूँ। हाँ एक बात बोलो। बोलिए। आप आपका पहला क्रश बोलेंगे। हाँ आपका पहला क्रश किसके ऊपर था? पहला क्रश क्या सर? पहला क्रश मतलब तो बच्चा टीचर पे करता है, या तो अपने एक बाजू की कॉलेज। हाँ एक स्कूल, स्कूल की फ्रेंड पे ऊपर पहले क्रश था। हाँ था। अभी भी मेंटेन है सर? नहीं नहीं अभी आउट ऑफ कांटेक्ट हो गए। तो इसका तो हो गया सर। कुछ एक नॉलेज की बात बोलो सर हमारे व्यूअर्स को, कुछ डॉक्टर या पढ़ रहे या जेनेरिक में, एक बात बोलो सर जेनेरिक मेडिसिन के बारे में। तो वो डॉक्टर हमारे को प्राइवेट बोले लिख लिख के भर लूट लेते हैं, और क्या बोलते हैं हम बोलने गए तो जेनेरिक मेडिसिन लिखो बोल तो नहीं लिखते। वो मतलब ये मेडिसिन का क्या होता है ना, जब भी हम ये दवाइयाँ लिखते हैं बहुत सारे चीज़ों को हमें देख के लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन वैसे है तो थोड़ी मेडिसिन उसको ज़्यादा कर सकते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ। हाँ पूछ रहा हूँ। हाँ वहाँ पर पूरी जो मेडिसिन है। हाँ वो जेनेरिक है। हाँ आप वहाँ पर भी ट्रीटमेंट कर दें, ठीक कर देना। हाँ वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, पर प्राइवेट में आने के बाद आपको जेनेरिक से दुश्मनी क्यों हो जाती? वो प्राइवेट में पैसा छीनने के लिए देखते हैं ना। तो जेनेरिक में मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं दे सकते ना? हाँ दे सकते हैं, पर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ही, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर वो सा भी रिकमेंडेड नहीं कर रहा जेनेरिक। हाँ नहीं प्राइवेट डॉक्टर नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट डॉक्टर कोई है तो रिकमेंड कर रहा तो मानता हूँ मैं। हाँ तो बोलते हैं बाहर से लिख के देते हैं, हमारे को विश्वास है, पर प्राइवेट डॉक्टर वाला जेनेरिक मेडिसिन को रिकमेंडेड नहीं कर रहा। आप अगर ये नहीं लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। डेढ़ साल से जेनेरिक मेडिसिन ले रहा हूँ। डेढ़ साल से? अभी कंट्रोल्ड है? कंट्रोल है सर, अभी तकरीबन खाना खाने से पहले 100 आता है। हाँ खाना खाने के बाद 160 बस हो गया। ओके तो कंट्रोल में है। हाँ तो अब जब आप कंट्रोल में है तो दवाई चेंज कर दो करना। ये नॉर्मली लिखा सर वो। और नॉर्मल बेसिकली का। ओके ओके वो बोल रहा था मुझे कि मैं इंसुलिन लेता हूं। हां इंसुलिन को भैया जरा गोली लिख के दे दो, कंट्रोल नहीं होता तो फिर बाद में आके लेता हूं। ओके तो ऐसा हुआ सर। जो आपने बोला सही तब, बट आप अभी मैं मुझे आपका केस मालूम नहीं है ना कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है करके, तो मैं तो नहीं बोल सकता, बट प्राइवेट में तो एक चीज़ तो है जो वो पैसे छीनने के लिए करते हैं काम, लाइक ये यशोदा या तो अपोलो में गए तो उनका पहला गोल ही रहता है कि पैसा छीनना है उनसे। ठीक है सर, और एक सवाल और एक मुहावरा पूछता हूं। हां बोलिए। कोई बात नहीं, आशा करता हूँ। थैंक यू सर, कुछ
टैलेंट स्पेशल स्किल उसको भी मतलब क्रिएटिवली कुछ बोल दो क्रिएटिवली पीना है तो पानी पियो दारू नहीं पानी पिए तो फेफड़े सही रहते हाँ बहुत सही रहता है तो फेफड़े खराब हो जाते हैं वही थैंक यू वेरी मच सर अगर आपको दोस्तों ये जो मैं गेम खेल रहा हूँ और इसके सवाल आपको मालूम है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों और जिसका सही जवाब होगा दोस्तों उसको मैं रिप्लाई भी करूँगा पूरी बारिश शुरू हो गई भैया तो कारोबार बढ़िया था डिमांड बढ़िया था ज़रा ये देखिए बारिश हो रही है सिकंदराबाद में तो फाइनली दोस्तों तकरीबन 3:30 बज रहे हैं दोस्तों और भूख लग रही है तो अभी भाभी ने जो टिफ़िन दिया है दोस्तों वो ओपन करने का है अपने को खाने का है और देखते हैं भाभी ने क्या भेजा है आज और ये ज़रा मुँह की डिश के लिए दोस्तों ये ज़रा मैंने पापड़ी ले ली तो ज़रा डिश बना रहेगा ज़रा क्या पता भाभी ने गुस्से से बनाया या मोहब्बत से बनाया ज़रा देखते हैं दोस्तों ज़रा और तकरीबन 4 बजे आपको दोस्तों टोटली बताऊंगा कि मेरा कारोबार भी कितना हुआ है दोस्तों अभी तो मेरे को और 2 सवारा कंप्लीट करने का है पर अभी बज रहे हैं 3:30 तो झड़ली से खाना खा लेंगे दोस्तों फिर कारोबार पे लगते हैं ज़रा दोस्तों भाभी ने भेजा है चावल और यह है क्या बोलते हैं पनीर की करी है दोस्तों पनीर की करी है दोस्तों और तो शुरू करते हैं दोस्तों खाना चलिए तो अभी ज़रा दोस्तों टेस्ट करके बताता हूँ ये पालक की सॉरी ये है पनीर है दोस्तों पनीर की करी है जैसे आलू की करी होती है जैसे ये है दोस्तों पनीर की करी और टेस्ट करके बोलता हूँ आपको मैं कैसा है तो ये जो है यहाँ पे लगा देता हूँ और गिरेगी नहीं धब्बे नहीं गिरेंगे सीट पे धब्बे गिर रहेंगे दोस्तों अभी एक निवाला खा के बताता हूँ दोस्तों आपको मैं भाई जैसे आलू की करी ने बनाते हैं वैसे ही भाभी ने बना दिया है पालक की सॉरी पनीर की सब्जी कैसे बनाते हैं वो आइडिया नहीं है इनको आलू की करी जैसा बना दिए मजबूरी है खाना पड़ता भाई वरना ये भी नहीं मिलता घर का खाना है बाहर का मिल जाता अपन दोस्तों क्वालिटी अच्छी नहीं रहती और खाना क्या बोलते ख़राब भी रहता कैसा बना वो भी नहीं मालूम तो जैसा भी है दोस्तों घर का खाना अच्छा ही है तो खा लेते हैं क्या करेंगे यही नसीब है अपना तो दोस्तों तकरीबन अपन 11:30 बजे दिखते कारोबार को निकले दोस्तों ये मेरी लास्ट सवारी थी खाना खाने के बाद दोस्तों अब भी ज़रा 5 मिनट के बाद उठता हूँ मैं ज़रा तो अभी आपको मेरी अर्थिंग बता देता हूँ दोस्तों ये देखिए लास्ट ट्रिप और उबर में अभी मैंने कितने किए हैं दोस्तों ये बता देता हूँ आपको मैं तकरीबन 400 रुपये दोस्तों और कितने ट्रिप दो ट्रिप है दोस्तों अभी आपको मैं बताता हूँ रैपिडो दोस्तों रैपिडो में जाके देखते हैं ज़रा और बाहर से 2 सवारी की थी दोस्तों रैपिडो में ये क्या नाटक है इसका जल्दी आ रहे भाई अरे ये कहाँ कहाँ लेके जा रहा दोस्तों ये तो दोस्तों देखिए 400 रुपये दोस्तों 407 रुपये किए तकरीबन 800 रुपये दोस्तों ऑनलाइन किए मैंने तो 800 रुपये दोस्तों ऑनलाइन किए हैं और 200 रुपये दोस्तों एक कस्टमर से मैंने कमाया दोस्तों बात कर लेंगे तकरीबन दोस्तों 1000 रुपये कम्प्लीट हो चुके हैं और खाना वाना खा चुका हूँ और आपको जो भी बता रहा हूँ दोस्तों लाइव प्रूफ बता रहा हूँ इसमें कुछ झूठ नहीं है बहुत जने बोलते रहते मैसेज में भाई झूठ बता रहे फेक वीडियो बल्कि भाई अपने पास खुला हिसाब है दिखा देते अपने पास अर्निंग क्या है ये क्या है छुपाने की बात नहीं है अपन ज़्यादा फेंकने वाले नहीं है अपन इतना बड़ा नहीं फेंकते अपन कि 5000 कमाए 3000 कमाए 4000 कमाए लाइव प्रूफ में बता देते अपन कि अपन कितने कमाए और क्या कि मैं हर एक कस्टमर का वीडियो बना नहीं सकता दोस्तों उन्हें क्या पैसे दे रहा और कितने जने बैठ रहे क्यों बोलते हो वीडियो लंबा हो जाता फिर वो देखने में मज़ा नहीं आता वो तो मेन बात है अपने को मालूम पड़ गया तो बहुत है दोस्तों और क्या है तो अभी तो तकरीबन 1000 रुपये कम्प्लीट कर चुका हूँ अभी ज़रा निकलता हूँ दोस्तों तो तकरीबन दोस्तों 7 बज रहे हैं दोस्तों और मैं हूँ अभी दोस्तों BHL के पास है दोस्तों
तकरीबन दोस्तों मैं लास्ट सवारी जो मेरी थी दोस्तों, ये थी दोस्तों, ये देखिए, सॉरी रैपिडो के लिए था दोस्तों लास्ट सवारी, तकरीबन 280 की कुछ थी दोस्तों, और वो भी लाया जुबलील से, और यहाँ पे ला के फंस गया हूँ दोस्तों। तकरीबन आधा घंटा हो गया है और कोई सवारी नहीं मिल रही दोस्तों, और मुझे पता है दोस्तों मियाँपुर तक भी नहीं मिलेगी, पर मेरे को जाने का है दोस्तों, सवारी तो होने का है, पर अगर मैं लिंगमपल्ली जाता हूँ दोस्तों, मेरे को वहाँ पे तो मिल जाएगी, कहाँ पे, अपना गच्ची बोली साइड में अपने को वाइटी सिटी रोड पे मिल जाएगी, पर वहाँ जाऊँगा दोस्तों तो घर को जाने का दिल करेगा, तो मैं अभी लॉन्ग रूट ले रहा हूँ दोस्तों, ये अपना चंदा नगर मियाँपुर कुकटपल्ली, तो कुकटपल्ली तक अपने को जाने का है दोस्तों। यहाँ पे तो सवारी मिल रही नहीं बिल्कुल, मतलब रैपिडो में किसी में भी नहीं आ रही दोस्तों, तो अपने को टाइम वेस्ट करने का नहीं है दोस्तों अभी, तो अभी तक अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों कुकटपल्ली की तरफ, कोसी तो भी सवारी मिल जाए तो बहुत अच्छा है दोस्तों, अभी बैलेंस बहुत कम है दोस्तों, अभी तकरीबन बैलेंस बोल नहीं सकता दोस्तों, वो कंप्लीट करके ही जाने का अपने को, या 10 बज जाए दो कितने बज जाए दो, अपने को जाने का करने का दोस्तों, अभी तो 7 बज रहे हैं दोस्तों, और मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों कुकटपल्ली की तरफ, वहीं पे कुछ सवारियाँ मिलेंगे दोस्तों, खाली जाना पड़ेगा या कुछ मिल जाए तो लेके जाएंगे दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं दोस्तों तकरीबन 9 बज रहे हैं, और जुबलील्स के पास मैं पेदमागुड़ी के पास हूँ दोस्तों, और अभी तक मेरे को घर की सवारियाँ नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, पूरे दूर दूर के मिल रहे हैं, तो किसकी नज़र लगी नहीं मालूम दोस्तों। तो दोस्तों मैसेज में मैसेज ना करते थे बहुत सारे ड्राइवर, तो इतना कॉमेंट लिख के भेजते, तो किसकी नज़र लगी, क्या नज़र लगी नहीं मालूम दोस्तों। तो अपना कारोबार जो है दोस्तों तकरीबन उबर में जो दोस्तों आपको बताता हूँ मैं, तो ये देखिए दोस्तों, जितना होता उतना ही बोलते भाई, ज़्यादा नहीं बोलते। अब किसकी नज़र लगी नहीं मालूम क्या है, तुम्हारे में से कोई तो भी लगाए होंगे तकरीबन। ये देखो दोस्तों इसका जो लाइट कम कर देता हूँ दोस्तों इसका, तब छोटे मिल रहे या तो दूर दूर के मिल रहे दोस्तों। तकरीबन दोस्तों ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये देखिए दोस्तों तकरीबन ये भी कोमपल्ली दूर दूर के आ रहे दोस्तों सवारा, कैसे लूँ समझ नहीं आ रहा। तो 9 बज गए दोस्तों, और आप इसके रैपिडो में 700 रुपये कमाए दोस्तों। अभी आपको मैं ऊबर का बताता हूँ, ऊबर में दोस्तों तकरीबन 750 रुपये दोस्तों, और ये हो गए दोस्तों 1500 रुपये, और अपने जो मैं बोला था कि 200 रुपये बाहर से कमाए दोस्तों, तकरीबन 700 रुपये दोस्तों। तो आज अपने को दोस्तों कारोबार जो हुआ है दोस्तों 300 रुपये के गैस में दोस्तों, और अभी आपको मैं बताता हूँ गैस बचे हुए थे 400 रुपये का गैस डाला मैं, ये देखिए दोस्तों। तो अभी भी एक पीली लाइट है दोस्तों, तो अपना जो कारोबार दोस्तों 1700 रुपये तक हो चुका है, और इसमें जाते हैं दोस्तों गाड़ी का किराया 500 रुपये, और अपने गैस के पैसे 300 रुपये। तो आज अपने को अर्निंग जो है दोस्तों तकरीबन 700 रुपये हो गए दोस्तों, और जो कारोबार होता है वही बोलते हैं भाई, ज़्यादा के नहीं बोलते, बड़ा चढ़ा के नहीं बोलते। तो आज किसकी नज़र लग गई नहीं मालूम, शायद किसी की तो लगी होगी, इसके वजह से कारोबार बहुत नहीं हुआ दोस्तों आज, और 9 बज रहे हैं, तो आज यहीं पर क्लोज करने वाला हूँ दोस्तों मैं, और ऐसे ही खाली जाना पड़ेगा, पेदमागुड़ी के पास हूँ, अगर मिल जाए घर की तरफ जाता हूँ निकलता हूँ ऐसे ही, अगर कुछ मिल जाए सवारी तो समझ लीजिए 1700 रुपये, और एक 200 रुपये कुछ कमा लूँगा तो अच्छा रहेगा, 1700 से 1900 रुपये हो जाएंगे, वरना तो अपना कारोबार 1700 रुपये पकड़ लेके चलो दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, चलिए।